टेबल टॉपर्स को रोकना असंभव। ऑलरेडी 10 किल और रुकिए जरा इनकी भी। मुझे लगता है ये फाइट गलत पिक करी गई है एंड फंस जाएंगे माफियाज यहाँ पे। पोजीशन अच्छी नहीं है माफियाज की। डैमेज है इनसे, अभी भी अकेले भुया निकाल सकते हैं 1v2 क्लच करके। क्या डाउन फौजी अजय, बिल्कुल अकेले 1v2 क्लच करना पड़ेगा फौजी अजय को। बाला और इनसेन आगे बढ़ते हुए, बाला भी नॉकआउट, बाला भी नॉकआउट। सेम स्टैटिस्टिक्स लेकिन ज्ञान गेमिंग के हाईएस्ट पॉइंट 31 पॉइंट है जो उन्होंने कैप्चर करे। यहाँ पे नेट डालने की कोशिश केमिनी स्पोर्ट्स, अब हमला कर रही है थर्ड पार्टी में। केमिनी स्पोर्ट्स अगर ऐसे ही खेलते चले गए गाइस तो केमिनी स्पोर्ट्स को कोई रोक नहीं पाएगा, टेबल टॉप से हटेंगे ही नहीं है। और केमिनी स्पोर्ट्स राधे ठाकुर के एक ही नेट से 4 किल, राधे ठाकुर के एक ही नेट से 4 किल, क्वात्रा किल कर दिया यहाँ पे। लेकिन रुकिए जरा, यहाँ पे एक और खतरनाक वाइटलिटी स्पोर्ट्स भी एलिमिनेट, 10 किल यहाँ पे सिक्योर कर चुकी है कैमिनी स्पोर्ट्स। टेबल टॉपर्स को रोकना असंभव। ऑलरेडी 10 किल और रुकिए जरा, इनकी भी थर्ड पार्टी हो गई आड़े हाथों। यहाँ पे गॉडेल ने लिया है केमिन को, ये बहुत अच्छा कदम क्योंकि गॉडेल जरूर चाहेंगे यहाँ से टेबल टॉप करना। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के ऊपर थर्ड पार्टी होते हुए क्या गॉडलाइक टेबल टॉपर्स केमिन को रोक सकते हैं इस मैच के दरमियान। लेकिन गॉडेल अगर फिर भी केमिन को अगर यहाँ पे एलिमिनेट कर पाती है 9th पोजीशन पे, तो कहीं ना कहीं खुद के चांसेस और बाकी टीमों के चांसेस पुख्ता करेगी, जो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे हो पाएगा। क्योंकि राधे ठाकुर कमाल के फॉर्म में दिख रहे हैं, उनके नेट सही कनेक्ट कर रहे हैं। आनंद हमेशा की तरह खतरनाक खिलाड़ी, चार्ज बस्टर के सामने अभी तक कोई टिक नहीं पाया है भाई साहब। और ये देखिए गॉडेल के भी खिलाड़ी डाउन, केमिन के भी डाउन। एक बार फिर से तेज तरार हमले होते हुए, गॉडलाइक हमला करते हुए स्वास्तिक ने एक और नॉकआउट निकाल दिया। स्वास्तिक ने केमिन स्पोर्ट्स एलिमिनेट, केमिन स्पोर्ट्स एलिमिनेट हुई है गाइस, केमिन स्पोर्ट्स को एलिमिनेट कर दिया गया। देसी गेमर्स भी शायद, और गॉड जो भी कह लीजिए आप, इन्होंने भी एक किल किया है। माफियाज के ऊपर हमला करने की गलती कर रहे हैं इस वक्त ऋषभ, क्योंकि अकेले हैं इस वक्त। माफियाज के खिलाफ भिड़ने का मतलब है आप अपना रास्ता मुश्किल कर रहे हैं माफियाज के पास। और ये नेट डाली उधर भैया, क्रोनो शील्ड सही टाइम पे लगाई है ऋषभ ने। यहाँ पे अगर आप देखें ऋषभ का बचना मुश्किल, बाला भाई नॉकआउट हो गए माफिया, बाला को हैक्स ईस्पोर्ट्स ने दूर से नॉक कर दिया। फंस गई माफियाज, माफियाज फंस गए यहाँ पे, बचना मुश्किल। लेकिन इसी बीच अगर आप देखें तो ज्ञान ऋषभ को बचने का मौका मिल गया है लगातार। वहां पे अगर आप देखें ऋषभ, हम तो डूबेंगे शर्म आपको भी ले जाएंगे वाला सीन है। और लीक ही यहाँ पे नॉक, ऋषभ वहां पे जोन में एलिमिनेट हो गए, ऋषभ जोन में एलिमिनेट हो गए। क्या फौजी अजय बचा पाएंगे अपने अपने प्लेयर को, क्या यहाँ पे अपने प्लेयर को बचा पाएंगे यहाँ पे, देखने वाली बात होगी। क्या इस तेजी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे माफियाज, पेन फौजी अजय आगे बढ़ते हुए, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे। क्या माफियाज यहाँ पे कमबैक कर पाएंगे, चेन्नई एक्सिस स्पोर्ट्स का नेड और पूरी तरीके से माफियाज का खात्मा। यहाँ पे देखने वाली बात होगी गाइस क्या होने वाला है। केमिन को कोई भी अभी तक खतरा महसूस नहीं हो रहा है, तेजी से हमला करते हुए यहाँ पे। और यहाँ पे एलेक्स को नॉक कर दिया गया, देखने वाली बात होगी गाइस क्या होगा। देसी गेमर ईस्पोर्ट्स यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, देसी गेमर ईस्पोर्ट्स यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं गाइस। एंड इट मींस इट्स द हैक्स ईस्पोर्ट्स हु चेंज्ड द टेबल। आप गलत में मत लेना, इसीलिए मैं 2-3 बार उसको फिल्टर करके बोल रहा हूँ कि आप उसको दिल पे ना ले लो। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कट्टा टट्टा यहाँ पे ज्ञान गेमिंग को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया पीवीएस गेमिंग ने। योगी नोबिता जोकर एंड एमबॉट, पीवीएस गेमिंग कमाल के फॉर्म में। पीवीएस गेमिंग तेजी से आगे बढ़ते हुए सामने खड़े हैं माफियाज, माफियाज लेकिन किस्मत माफियाज के साथ अभी तक नहीं, क्योंकि अगर आप देखें वहां से आ रही थी यूएवी जिसके कारण वहां पे देख लिया पीवीएस गेमिंग ने, धड़ल्ले से हमला कर दिया। और ये देखिए मुझे लगता है ये फाइट गलत पिक करी गई है एंड फंस जाएंगे माफियाज यहाँ पे। पोजीशन अच्छी नहीं है माफियाज की इस वक्त, नोबिता को जरूर नॉक कराएं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें माफियाज की हालत और ज्यादा बुरी है। नोबिता का यहाँ पे किल और शायद ट्रिपल किल आया। ओके 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 माफियाज कुड बी एलिमिनेटेड या ओ नहीं 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 नहीं, लीकी ने अभी भी गेम को अपने कब्जे में करके रखा है। 3 खिलाड़ी शायद एलिमिनेट हो चुके हैं और लिखी बिल्कुल अकेले रह गए हैं यहाँ पे। जबरदस्त यहाँ पे लिखी का एफर्ट। और यहाँ पे अगर आप देखें योगी का क्वात्रा किल एंड माफिया शायद एलिमिनेट हो, हैक्स के पीछे पड़ गए रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स और हैक्स ईस्पोर्ट्स के बीच में आर पार की तरह। बीच में गेमिंग ऑरा की टीम भी यहाँ पे जो है फाइट पिकॉन कर दिया, लेकिन गेमिंग ऑरा उसके बावजूद भी एलिमिनेट। और
गाइज आप देखे तो हेक्स ईस्पोर्ट्स का पूरा फायदा हो गया वहाँ पे, अकेले वहाँ पे पीवीएस गेमिंग बचे, नॉकआउट हर्ज का किल निकाला और योगी तेजी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक और किल एलेक्स का, बिल्कुल आसान से किल आ जाएगा, लॉन्चर डाली फट गए वहाँ पे एलेक्स, और यहाँ पे एलेक्स दोबारा से नॉक, इंसेंट बिल्कुल अकेले पीवीएस गेमिंग के खिलाड़ियों के ऊपर हमला, 1v2 ओ इंसेंट काफी डैमेज है, इंसेंट अभी भी अकेले भुया निकाल सकते हैं 1v2 क्लच करके, क्या देसी गेमर्स जीतेंगे या पीवीएस गेमिंग, इट्स अ पीवीएस गेमिंग, ओ गॉड द पुया 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 वो टोके किल पेसी नालम तमिलनाडा वरना यहाँ पे बचना मुश्किल। पीवीएस गेमिंग अब लगातार वहां पे, अगर आप देखें राधे ठाकुर ने लॉन्चर से बाला को नॉक कर दिया, ग्रेनेड लॉन्चर मौजूद है बट आनंद को भी नॉकआउट कर चुके, अंदर रश कर दिया गया केमिन प्लेयर्स के द्वारा, यहाँ पे तीस तरह हमले साइथे की मदद से यहाँ पे हमला करते हुए, और एक और खिलाड़ी नॉक, विजार्डो बिल्कुल अकेले, 1v1 शायद नहीं 1v2 है, 1v2 है, माफियाज ने पूरा पासा पलट दिया, द माफियाज हैज टर्न द टेबल, एक और खिलाड़ी को रिवाइव मिल चुका है, एक और खिलाड़ी को रिवाइव मिल चुका है गाइस, यहाँ पे पासा पलट सकता है, टू साइड गेमर्स को एलिमिनेट करते हुए पीवीएस गेमिंग एलिमिनेट होते हुए, यहाँ पे राधे ठाकुर के पास अभी भी ग्रेनेड लॉन्चर मौजूद है हेक्स ईस्पोर्ट्स, और ये देखिए एक और ग्रेनेड लॉन्चर, तीन खिलाड़ी वहां पे डाउन, फौजी अजय बिल्कुल अकेले, 1v2 क्लच करना पड़ेगा फौजी अजय को 1v2 क्लच करना पड़ेगा, राधे ठाकुर भी मौजूद वहां पे, विजार्डो भी मौजूद है, माफियाज यहाँ पे एलिमिनेट, बट वहां पे फौजी अजय ने, रिस्पेक्ट फॉर राधे बाबू, पीवीएस गेमिंग के अकेले नोबिता रह गए हैं वहां पे, मुकाबला करते हुए पीएफए के चार खिलाड़ी, ब्लैक फ्लैग आर्मी के चार प्लेयर्स बना पीवीएस गेमिंग के अकेले नोबिता ने, पुया 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 बाय द ब्लैक फ्लैग आर्मी, पीएफए का पुया 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 स्वास्तिक मुसीबत में, अगर स्वास्तिक नॉक हुए फिर गेम चेंज हो जाएगा, स्वास्तिक नॉक, गेम बदला गाइस, गेम फिर से बदल गया, राधे ठाकुर केविन ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट कर दिया, ओ माय गॉड, माता आ गई है गॉडलाइक में, और ये देखिए ये कौन सा पोकेमोन है, नहीं ये सॉरी दूसरा गेम है ये, ओके यार आप देखो ऐसे नीचे चलाक लगाई थी मिस्टर राज तक ने लेकिन एक पल को ऐसा लगा जैसे माफियाज वहां पे गिफ्ट दे के आए, बट बाल बाल बच गए, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे, जबरदस्त तरीके से मैचेस चलते हुए देखना पड़ेगा गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे, हेक्स ईस्पोर्ट्स के हेक्स केडी आगे बढ़ते हुए, एंड यहाँ पे माफियाज के डिलीट, ओ माफियाज एलिमिनेटेड इन द हेक्स ईस्पोर्ट्स विद अ वन मोर पुया, क्या बात है, एक और, ओ भाई साहब केविन बुया कर देगी, मुझे लगता है केविन बुया कर देगी, पानी में तैर कर भी उनके खिलाड़ी वापस लौट आए, टू साइड गेमर्स को एलिमिनेट कर दिया केविन ने, केविन को ये चैंपियनशिप जीतने से अब शायद ही कोई रोक पाएगा, शायद ही कोई टीम रोक पाएगी केविन को, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल केविन, अब बस अकेले सेन देसी गेमर्स के और दो खिलाड़ी माफियाज के रह गए केविन के सामने, तगड़ा मुकाबला, आगे बढ़ते हुए बाला और इंसेन आगे बढ़ते हुए, बाला भी नॉकआउट, डिलीट भी फंसे हुए हैं, माफियाज को एलिमिनेट कर दिया केविन ने, केविन के लिए एक और आसान सा बुया एंड चैंपियनशिप आसानी से जीत जाएगी अब केविन, अब कोई रोक नहीं सकता, अब कोई नहीं रोक पाएगा, इंसेन ने एक नॉक जरूर निकाला है, बट देयर यू गो, देसी गेमर्स हैज बीन एलिमिनेटेड, एंड स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द केविन ईस्पोर्ट्स फॉर द बुया, लाइक आगे बढ़ते हुए साहिल अभी भी टिके हुए हैं, और विजार्डो को देखिए अब, ओ भाई साहब बिना किसी किल के भी केविन ईस्पोर्ट्स टॉप 3 बैठे बैठे पहुंच गए, और उसके अलावा भी भाई कहना पड़ेगा गाइज यहाँ पे केविन ईस्पोर्ट्स का जीत पक्का, हेक्स ईस्पोर्ट्स तेजी से आगे बढ़ते हुए एंड इट्स द गॉडलाइक हु गॉट द बुया इनटू द लास्ट मैच में भी गॉडलाइक ने कर दिया है, अब बुया, और इसी के साथ
यहाँ पे